वो सलमान का साया है, वो सलमान का साथी है, वो सलमान की परछाई है, वो सलमान की शक्ति है, वो सालों से सलमान के साथ है, वो सलमान का बॉडीगार्ड है, वो सलमान का शेरा है, दुनिया उसे बॉडीगार्ड शेरा के नाम से जानती है। हर किसी के जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुरक्षा के साथ साथ हिम्मत और प्रेरणा का काम करते हैं। सलमान खान के जीवन में शेरा का साथ होना कुछ ऐसी ही बात है। पूरा बॉलीवुड शेरा को सलमान खान को लेकर ही जानता है। शेरा की पहचान की हर एक कहानी सलमान से शुरू होकर सलमान पर खत्म होती है। सलमान घर रहें या बाहर जाएं, फिल्म प्रमोशन के लिए निकलें या वर्ल्ड टूर पर जाएं, जहां जहां सलमान की परछाई पड़ती है शेरा वहीं दिखाई पड़ते हैं। शेरा का ये रूप ही उसका स्वरूप है, जिसमें सिर्फ सल्लू है, सलमान है, दबंग खान है और भाईजान है। दुनिया जिस शख्स को शेरा के नाम से जानती है उसका असली नाम है गुरमीत सिंह जौली। ऐसा नहीं है कि शेरा को शेरा नाम से बॉलीवुड वाले ही पुकारते हैं, असल में ये उनके घर का नाम है। मुंबई में गाड़ियों के रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाले गुरमीत के पिता उसे बहुत छोटी उम्र से शेरा कहकर पुकारने लगे थे, जो आज तक लोगों की जुबान पर यूं ही बना हुआ है। गुरमीत उर्फ शेरा का जन्म साल 1969 के मई महीने में हुआ था। सिख परिवार से ताल्लुक रखने वाले शेरा को बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग का शौक है, जो धीरे धीरे बढ़ता चला गया और एक दिन शेरा की पहचान भी इन्हीं कारणों से बनने लगी। इससे पहले शेरा बॉडी बिल्डिंग में जूनियर मिस्टर मुंबई और जूनियर मिस्टर महाराष्ट्र जैसे खिताब जीत चुके थे। पिछले 20 साल से शेरा हर हाल में सलमान खान की सुरक्षा में लगे रहते हैं, इसलिए उन्हें सबसे काबिल और भरोसेमंद बॉडीगार्ड माना जाता है। ये 90 के दशक के मध्य की बात है, जब बॉलीवुड में सलमान खान की अच्छी पहचान बन चुकी थी। सलमान के पिता और दोनों भाई चाहते थे कि सलमान खान को एक अच्छा बॉडीगार्ड मिले, जिससे उन्हें शो और शूटिंग के दौरान फैंस से बचने में बहुत आसानी हो। परिवार के लोगों ने किसी अच्छे बॉडीगार्ड की तलाश शुरू कर दी, जो शेरा पर जाकर खत्म हुई। सबसे पहले सुहेल खान ने शेरा से बात की, सलमान की सुरक्षा की गारंटी मांगी और साल 1995 में सुहेल खान ने सलमान के विदेशी दौरे के लिए शेरा की कंपनी की सर्विस ले ली। सुहेल ने शेरा से यही पूछा था, भाई के साथ हमेशा रहोगे, जो एक हां के साथ आज तक बना हुआ है। सलमान के साथ शेरा ने कुछ विदेशी दौरे किए। शेरा की सुरक्षा देखकर सलमान बहुत खुश हुए, जो धीरे धीरे सलमान खान की पर्सनल बॉडीगार्ड में बदल गए। इसके बाद से वो खान परिवार के सदस्य जैसे हो गए, जो आज तक बने हुए हैं। अच्छे काम अक्सर अच्छे संबंधों में तब्दील हो जाते हैं। शेरा के साथ यही हुआ। सलमान और उनके साथ साथ पूरे खान परिवार पर शेरा का ऐसा प्रभाव पड़ा कि खान परिवार का कोई भी सदस्य अब उन्हें परिवार से इतर नहीं सोचता। वैसे भी सलमान दोस्ती को गजब तरीके से निभाते हैं और जिस तरीके से शेरा सलमान की हिफाजत करते हैं, उसमें बॉडीगार्ड का भाव कम और दोस्त का भाव ज्यादा झलकता है। दोनों की दोस्ती को ऐसे समझिए कि शेरा अभी भी सलमान के घर के पास रहते हैं। सलमान के कहने पर ही उन्होंने अपनी एक इवेंट कंपनी विजक्राफ्ट भी खोली है। शेरा ने खुद एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया था कि सलमान मेरे लिए भाई हैं, मालिक हैं और मालिक ही मेरे लिए सब कुछ है। वक्त आया तो मैं उनके लिए जिंदगी भी दांव पर लगा सकता हूं, वो मेरे लिए भगवान के बराबर है। जहां कहीं भी सलमान को जाना होता है, उससे पहले शेरा वहां पहुंच जाते हैं। कई बार एक दिन पहले भी उस जगह का जायजा ले लेते हैं। कई दफे शेरा को रास्ता साफ करने के लिए कई कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। एक बार तो शेरा को रास्ता क्लियर करने के लिए 8 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा था। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जिसे लेकर शेरा और सलमान की बॉन्डिंग दिखती है। दोनों के बीच इमोशनल बॉन्डिंग का ही नतीजा है कि फिल्म बॉडीगार्ड को सलमान ने शेरा को समर्पित कर दिया था और इस फिल्म के टाइटल ट्रैक में दोनों एक साथ डांस करते दिखे थे। अक्सर ऐसी खबरें चलती है कि शेरा को सलमान खान बहुत पैसे देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि शेरा के लिए सलमान ने बहुत कुछ किया है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि शेरा ने सलमान की जान सलामती के लिए अपनी जान देने तक को तैयार रहते हैं। फिलहाल शेरा को 1 साल के लिए 2 करोड़ रुपए मिलते हैं,
जो बॉलीवुड में किसी भी बॉडीगार्ड की सबसे ज्यादा सैलरी है। दुनिया भर में पॉपुलर शेरा की सेवा के लिए कई दफे विदेशी कलाकार भी संपर्क करते हैं। जैसे जैसे वक्त बीता है, शेरा का दायरा बहुत तेजी से बढ़ता गया है। उनके बेटे की पहचान बनाने के लिए सलमान भी लगातार काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ शेरा अब सियासत में भी हाथ आजमाने की चाह में है और इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र में वर्चस्व रखने वाली पार्टी शिवसेना के साथ खुद को जोड़ लिया है। समय तेजी से भागता जा रहा है। सलमान खान अपने प्रसिद्धि के चरम पर है और शेरा की पहचान भी इसी के समानांतर बहुत तेजी से बढ़ी है। वैसे तो सिनेमा और सियासत का संबंध बहुत पुराना है, लेकिन शेरा इस संबंध में खुद को कहां रख पाएंगे, ये वक्त और सिर्फ वक्त जानता है। मिर्ची बॉलीवुड सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा को हर कोई जानता है। वो सल्लू मियां के लिए करीब 20 साल से काम कर रहे हैं। वहीं हाल ही में शेरा ने एक इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा बोल दिया जिससे ये साबित होता है कि वो सलमान से कितना प्यार करते हैं। अब आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि आखिर ऐसा क्या कह दिया, तो आपको बता दें उन्होंने कहा कि मैं अपनी आखिरी सांस तक सलमान खान की सुरक्षा करता रहूंगा, जब तक जिंदा हूं भाई के साथ रहूंगा। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने ये भी कहा, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि मैं भाई के पीछे या उनके साथ नहीं रहता हूं, मैं हमेशा उनके आगे खड़ा होता हूं, जिससे हर खतरे को पहले मैं फेस कर सकूं। तो सुना आपने, वैसे देखा जाए तो हाल ही में खबरें आ रही थी कि सलमान खान शेरा के लड़के को फिल्मों में जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। अब देखना ये होगा क्या सच में भाईजान अपने प्यारे शेरा के बेटे को लॉन्च करते हैं या नहीं। वहीं बात करें सलमान के प्रोफेशनल फ्रंट की, तो वो जल्द ही रेमो डिसूजा के डायरेक्शन में बनी फिल्म रेस 3 में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ जैकलिन फर्नांडिस, अनिल कपूर, बॉबी देओल, डेजी शाह, साकिब सलीम और फ्रेडी दारूवाला नजर आएंगे। ये फिल्म 15 जून को थिएटर्स पर दस्तक देगी। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। भाई आप है।
मैम, जैकी, हो गया, हो गया, हो गया।